इससे बैक होता है ये वाला स्विच से, मिडिल वाला, इससे बैक होगा ये वाला होम। जब मतलब कहीं पे यूट्यूब हो, अमेजोन पर कहीं पे हो, इसको प्रेस करने से होम आ जाएगा। ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये ओके का है सिलेक्ट करने के लिए, ये वाला गूगल असिस्टेंट का है, और ये डायरेक्ट ये सब ऐप्स है, ये एप्स। वॉल्यूम माइनस प्लस है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इधर से अगर आप जिस सेट टॉप बॉक्स लगाते हो तो इनपुट में जाना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ पर भी लगाओगे आप HDMI 1 2 3 या फिर ये भी सिलेक्ट करने से, अब जब मतलब जहाँ पर लगाओगे ना तो ये वाला जो थोड़ा ब्राइट है वो ब्राइट हो जाएगा, तो अच्छा पता चलेगा कहाँ पर लगा है, ओके करने से आ जाएगा। ओके। और यहाँ से सेटिंग से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा वाला है। वाईफाई से हाँ, आपका मोबाइल से हॉटस्पॉट देना पड़ेगा, हॉटस्पॉट। हाँ एक बार ही कनेक्ट करना पड़ता है, दूसरे बार नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आपका हॉटस्पॉट देंगे, वो वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ओके। अभी तो ये वाईफाई से चल रहा है, हाँ, अभी वाईफाई से चल रहा है। वाईफाई का थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा है ना उससे। वाईफाई से अच्छा होता है वो स्क्रीन कास्ट करना, मतलब उससे क्या डेटा वेटा कुछ इतना खर्चा नहीं होता, आप आराम से देख सकते हो मोबाइल से कुछ भी डाउनलोड करके। लेकिन उसमें जो एप्स है, एप्स नहीं चलता है, अच्छा। हॉस्टल वगैरह वो टीवी में नहीं चलेगा अगर आप हाँ स्क्रीन कास्ट करते हो। और सर्च का ऑप्शन साइड में है, उधर हाँ लेफ्ट हाँ जाना पड़ेगा, ओके। ठीक है। वो भी रिमोट से ही ना। हाँ, रिमोट से ही सकते हो, सुमो से लेफ्ट राइट होके आप जब सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, मतलब फोन में गया, ओके करने से फोन आ गया है, ठीक है, फोन की मतलब बिल्डिंग इससे रिप्लाई इससे हो और लेफ्ट जाएगा। राइट उससे ओके करना पड़ेगा। ओके करने से इसकी बैड हो जाएगा। इतना मोबाइल से मतलब एक उस साइड जो है वो मोबाइल से नहीं चलेगा, वो अटक जाएगा, मोबाइल से 1080 तक चलेगा ठीक ठाक, मोबाइल से नहीं चलेगा उसके ऊपर। अभी आपका मोबाइल लीजिए और एक चीज दिखा देता हूँ, एंड्रॉइड फोन है ना, अभी आप मीरा कास्ट में जाइए, ठीक है, और आपके मोबाइल में देखिए स्क्रीन कास्ट है ना, स्क्रीन कास्ट या फिर मीरा कास्ट ऐसा कुछ, ये मल्टी स्क्रीन, मल्टी मल्टीस्क्रीन इसको ऊपर ले जाइए, ऑन करो, कान हो रहा। इसको ऑन करने से पहले आपको ना वो मोबाइल का वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वाईफाई से होता है। हाँ, वाईफाई से होता है, इसके लिए मतलब कोई डेटा नहीं लगता है। अभी ये आ गया एंड्रॉइड टीवी। MI एंड्रॉइड टीवी, इसको ओके करने से आ जाएगा, कनेक्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, आपका स्क्रीन इसमें शेयर हो जाएगा। अभी मतलब अब मतलब इसका ज्वाइन करने के लिए इसमें जाना पड़ेगा मल्टी स्क्रीन में। मल्टी आपका मतलब हर एक फोन में होता जैसे, है, उसमें हाँ होता है, उसमें होता है, जाके जैसे ब्लूटूथ ऑन करना है। हाँ, मेरे फोन में इसका नाम है स्मार्ट मिररिंग, ठीक है, अच्छा, हर मोबाइल वाला अलग रहता अलग है। अलग स्मार्ट मिररिंग ऐसे कुछ भी ऐसे होगा, हाँ। और ऐसे जाके वो मतलब सिर्फ मोबाइल का वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए डेटा नहीं अच्छा, चाहिए, ठीक है, वाईफाई ऑन करके अपने पास जाएगा। फिर आ आपको जाएगा। जो उसके बाद आप इसमें मोबाइल यूट्यूब में जो भी दिखोगे आप अच्छा मोबाइल का मोबाइल में स्क्रीन दिखेगा उसमें आ उसमें जाएगा। उसमें आ जाएगा स्क्रीन। हाँ, देखिए ना बैक की अच्छा, उसमें आ जाएगा। इसमें स्क्रीन आ रहा हाँ, है। जो भी करोगे उसमें आ जाएगा, टीवी में आएगा, फुल स्क्रीन नहीं आएगा ये। फुल नहीं हाँ, आएगा। अच्छा, वो जब आप वीडियो चलाओगे उसको जब मोबाइल में फुल स्क्रीन करोगे तब उधर फुल स्क्रीन आ जाएगा। आप मोबाइल के अंदर जो भी वीडियो एक एक चलाएंगे। वीडियो चलाइए, स्टोरी नॉर्मल एक वीडियो चलाइए, बैक कीजिए जा सके।
कोई भी एक वीडियो वीडियो क्लिक करो यूट्यूब में जाओ ना, ये तो मोबाइल वाली वीडियो है, यूट्यूब वाली भी बड़ा दिखाई देगा इसमें। कोई भी एक वीडियो चला ये मिनट कोई भी। हां चलो एक ही बात है, लेकिन जो आपका हॉटस्टार है डिज्नी हॉटस्टार या फिर Amazon Prime जो है वो सब नहीं चलेगा टीवी में, ठीक है, वो कास्ट नहीं होगा, ऐसे स्टोरी नहीं, नॉर्मल वीडियो चले स्टोरी नहीं। अच्छा मतलब इसमें नॉर्मल नहीं, ये वाला है नीचे चलो और हाँ ये लगाओ ये पिक्चर यहाँ पर जो फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है ना, जैसे मोबाइल में फुल स्क्रीन होता है पर पर फुल स्क्रीन प्रेस करने से उधर भी फुल स्क्रीन हो जाएगा, फुल स्क्रीन कीजिए यहाँ पर। अच्छा ओके, मतलब इसमें जितना फुल स्क्रीन करोगे उतना फुल स्क्रीन आ जाएगा, लेकिन इसका वीडियो क्वालिटी तो उतना ठीक नहीं। मोबाइल में करो। अच्छा इसमें मोबाइल में क्वालिटी कम है। डेटा के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा। अगर ब्रॉडबैंड से देखते हो तो पिक्चर और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। मोबाइल जैसे क्लियरिटी मोबाइल पिक्चर की होगी ना वैसे पिक्चर उसमें दिख जाएगा, ऐसा है मतलब। ओके। और कुछ है इसमें सेटिंग? और कुछ मतलब आपको अपडेट चेक करना पड़ेगा, जब टीवी थोड़ा स्लो काम करेगा तब समझ में आएगा कि टीवी में अपडेट आया है, जैसे मोबाइल में अपडेट होता है टीवी में भी होता है, ठीक है। उसके लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, डिवाइस पे खड़े कहाँ कहाँ पे दोबारा बैक जाना, पहले आपको सेटिंग्स पे आना पड़ेगा, सेटिंग में ठीक है, उसके बाद नीचे आके डिवाइस एंड रेफरेंस, डिवाइस इसके बाद अबाउट में, अबाउट ओके, सिस्टम अपडेट, सिस्टम अपडेट इसमें अपडेट है सर एंड्रॉइड 10 है ना 11 का अपडेट चल रहा है, ये हर टाइम अपडेट करना पड़ेगा नहीं, एक दो महीना जब अपडेट मांगता तब। हाँ अभी अपडेट मांगना चाहिए था।